तो नमस्कार दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोसाइटी ऑफ द सरू नाम की इस मूवी के बारे में दोस्तों ये रिलीज़ तो तकरीबन 20 अक्टूबर दो को हो चुकी थी और इसे अब नेटफ्लिक्स पर उतारा जाएगा दोस्तों सारी कुछ जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो तो पहले इसकी रेटिंग के बारे में जान लेते हैं आई रेटिंग की बात की जाए तो टेन में से एट की रेटिंग है और साथ ही साथ 92 टू परसेंट टोमेटोज यूजर्स ने इसे पसंद किया है यानी कि दोनों ही जगह इसकी रेटिंग है और इसी के बाद इसे पाँच जनवरी को ऑपसल रूप से नेटफ्लिक्स के ऊपर उतारा जाएगा जी हाँ दोस्तों नेटफ्लिक्स द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ओ टी टी नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं तो आज इसी के बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताने वाला हूँ इसकी एक तरह से स्टोरी प्री प्रोडक्शन कास्टिंग रिलीजिंग और जितनी भी डिटेल हो पाएगी सारी कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन दबाकर से ऐल पर सेट कर ले ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों इसके बारे में आप जानना चालू करते हैं सोसाइटी ऑफ दस्नो स्पेनिश ला सोसिए डैड दे ला निवे उरुग्वे उन्नीस सौ बहत्तर एंडीज उड़ान आपदा के बारे में जे ए बायोना द्वारा निर्देशित 2023 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है चार यह पाब्लो विरसी की इसी नाम की किताब का रूपांतरण है पांच जिसमें दुर्घटना में जीवित बचे सभी सोलह लोगों के विवरण दर्ज हैं जिनमें से कई को विरसी बचपन से जानता था छह कलाकारों में उरुग्वे और अर्जेंटीना के कलाकार शामिल हैं जिनमें से अधिकांश नवागंतुक हैं सात फिल्म ने अस्सीवें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को प्रतिस्पर्धा से बाहर स्लॉट में बंद कर दिया आठ इसे तेरह दिसंबर दो हजार तेईस को उरुग्वे में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था नौ स्पेन में पंद्रह दिसंबर 2023 को दस और अमेरिका में 22 दिसंबर 2023 को 11 चार जनवरी 2024 को नेटफ़्लिक्स पर स्ट्रीमिंग से पहले बारह इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली कई आलोचकों ने इसे बायोना का अब तक का सबसे अच्छा काम बताया इस फिल्म को छियानवेवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फ़ीचर फ़िल्म के लिए स्पेनिश प्रविष्टि के रूप में चुना गया था तेरह और यह दिसंबर की शॉर्टलिस्ट में पंद्रह फाइनलिस्ट फिल्मों में से एक थी चौदह कास्ट करें कलाकार इस प्रकार हैं पंद्रह सोलह सत्रह अठारह नुमा तुरकाटी के रूप में एंजो वोग्रिंसिक रोल्डन मैटियास रिकार्ड रॉबर्टो कैनेसा के रूप में अगस्टिन पार्डेला नंदो पाराडो के रूप में गुस्तावोजिनो के रूप में टॉमस वुल्फ मार्सेलो पेरेज डेल कैस्टिलो के रूप में डिएगो वेगेजी एस्टेबन कुकुरिस्का एडोल्फो फिटो स्ट्रैच के रूप में डैनियल फर्नांडीज स्ट्रैच के रूप में फ्रांसिस्को रोमेरो, एडुआर्डो स्ट्रैच के रूप में राफेल फेडरमैन कार्लिटो स्पेस के रूप में फेलिप गोंजालेस ओटानो एंटोनियो टिंटिन विजेंटिन के रूप में अगस्टिन डेलाकॉर्टे अल्फ्रेडो पंचो डेलगाडो के रूप में वैलेंटिनो अलोंसो जोस लुइस कोचे इन्सियार्टे के रूप में साइमन हैम्पे फर्नांडो कोंटिगियानी गार्सिया आर्टुरो नोगिरा के रूप में बेंजामिन सेगुरा राफेल एल वास्को एचावरेन के रूप में रेमन मोन्चो सबेला के रूप में रोक्को पोस्का पेड्रो अल्गोटा के रूप में लुसियानो चैटन बॉबी फ्रांकोइस के रूप में अगस्टिन बेरुटी अलवारो मैंगिनो के रूप में जुआन कारुसो, रॉय हार्ले के रूप में एंडी प्रुस डेनियल मैस्पॉन्स के रूप में सैंटियागो वाका नरवाजा जेवियर मेथोल के रूप में एस्टेबन बिग्लियार्डी लिलियाना मेथोल के रूप में पाउला बाल्डिनी एनरिक प्लेटेरो के रूप में फेडरिको अजनारेस सुजाना पाराडो के रूप में अल्फोंसिना कैरोसियो यूजेनिया पाराडो के रूप में सिल्विया गिजेल पेरेरा एस्तेर निकोला के रूप में वर्जीनिया कॉफमैन डिएगो स्टॉर्म के रूप में फेलिप रामोसियो गुस्तावो निकोलिच के रूप में ब्लास पोलिडोरी कार्लोस रोके के रूप में इमानुएल परगा आयर ने जूलियो सेसर फेराडास के रूप में कहा को स्टिमले के रूप में लौटा कार्लोस कार्लिटो स्पेज अपने पिता के रूप में कार्लोस पेज विलारो उन्नीस डे ला क्रूज लेफ्टिनेंट कर्नल दांते लागुरारा के रूप में उत्पादन बायोना ने अपनी २०१२ की फिल्म दी इम्पॉसिबल के लिए शोध करते समय वीरसी की पुस्तक की खोज की और दी इम्पॉसिबल की शूटिंग के अंत में पुस्तक के अधिकार खरीदे फ़िल्म निर्माताओं ने सभी जीवित बचे लोगों के 100 घंटे से अधिक साक्षात्कार रिकॉर्ड किए अभिनेताओं का जीवित बचे लोगों और पीड़ितों के परिवारों से संपर्क था 20 सोसाइटी ऑफ दस की घोषणा नवंबर 2021 में की गई थी फिल्मांकन सियरा नेवादा स्पेन में हुआ मोन्टेविडियो उरुग्वे और इंडीज में चिली और अर्जेंटीना वास्तविक स्थल सहित इक्कीस प्रोडक्शन में 138 शूटिंग दिन थे इसका बजट पैंसठ यूरो मिलियन से अधिक बताया गया था 22 अगस्त 2021 में मर्डर मी मॉन्स्टर के अर्जेंटीना के निदेशक एलेजांड्रो फाडेल्टो की अध्यक्षता में एक दूसरी इकाई ने ऑन सेट वर्चुअल प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में संदर्भ के लिए चिली में परिदृश्य फिल्म सात जून उन्नीस प्रमुख फोटोग्राफी 10 जनवरी से 29 अप्रैल 2022 तक सिएरा नेवादा में हुई 24 उन्नीस सिएरा नेवादा में उत्पादन को बर्फ की कमी और सहारन एयर लेयर द्वारा चुनौती दी गई थी जो पहाड़ों को नारंगी रंग से ढक दिया सात पच्चीस धड़ के मलबे की तीन प्रतिकृतियाँ इस्तेमाल की गईं एक को पार्किंग स्थल में बने हैंगर में रखा गया था छब्बीस दूसरी को कृत्रिम बर्फ में दबा दिया गया था और एक हाइड्रोलिक क्रेन द्वारा समर्थित किया गया था जो धड़ को हिलाने में सक्षम थी और दूसरी ऊपर थी तीन हज़ार मीटर नौ हज़ार आठ सौ फीट ऊंचा एक तार छह जुलाई 1923 सौ हैंगर में तीस मीटर लंबी स्क्रीन पर एंडीज की दूसरी इकाई की फुटेज प्रदर्शित की गई सात पच्चीस तेईस तीसरी इकाई को अधिक खतरनाक पहाड़ी शॉट्स का काम सौंपा गया था सात तीनों इकाइयों में लगभग तीन सौ कर्मचारी शामिल थे छह सात उरुग्वे में फिल्मांकन जुलाई दो हजार बाईस के अंत में समाप्त हुआ सत्रह सत्ताईस उन्नीस और मैड्रिड में उत्पादन जारी रहा सत्रह पेनस लेबरिंथ के अकादमी पुरस्कार विजेता विशेष प्रभाव मेकअप कलाकार डेविड मार्टी और मोंटसे रिबे ने कृत्रिम शव और घाव बनाए सात तेईस पोस्ट प्रोडक्शन की योजना लगभग पांच महीने तक चलने की थी जिसमें तीन सौ कर्मचारी शामिल थे सात छह वियर्सी जो एक सहयोगी निर्माता के रूप में कार्यरत हैं ने सियरा नेवादा में सेट का दौरा किया छे जुलाई 2023 में मरने से पहले बयोना ने जीवित बचे लोगों में से एक जोस लुइस कोचे इंसियाट को फिल्म का प्रारंभिक संस्करण दिखाया 22 बचे हुए 14 लोगों ने प्रीमियर से एक या दो महीने पहले फिल्म देखी 22 बीस संगीत मुख्य लेख सोसाइटी ऑफ द स्नो साउंड ट्रैक रिलीज फिल्म के वेनिस प्रीमियर में जे बायोना और कुछ कलाकार आपदा में जीवित बचे लोगों कार्लोस पेज रोड्रिग फर्नांडो पाराडो और रॉबर्टो कैनेसा के साथ फिल्म को अस्सीवें वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में सेट किया गया था महोत्सव के पुरस्कार समारोह के बाद 9 सितंबर 2023 को पलाजडो डेल सिनेमा में प्रतियोगिता से बाहर विश्व प्रीमियर की स्क्रीनिंग की गई थी आठ इसे सितंबर 2023 में इकहत्तरवें सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्लक सेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था अट्ठाईस इसे छप्पनवें सिटजेस फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन में भी प्रदर्शित किया गया था उनतीस और 2023 में एफआई उत्सव उत्सव फिल्म को जारागोजा के सिने अरागोनिया में 20 से 26 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली तकनीकी स्क्रीनिंग के लिए प्रोग्राम किया गया था 31 इसे 15 दिसंबर 2023 को स्पेनिश थिएटर में रिलीज किया गया 32 और 22 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया 33 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर साठ आलोचकों में से बानवे परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग आठ एक बटा दस है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है सोसाइटी ऑफ दस नो वास्तविक जीवन की त्रासदी की अपनी कहानी को दिखाने के लिए उत्कृष्ट तकनीकी कौशल लाती है लेकिन उस तमाशे में से कोई भी इसके सरल शक्तिशाली संदेश की कीमत पर नहीं आता है चौंतीस मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने चौदह आलोचकों के आधार पर फिल्म को एक सौ में से इकहत्तर का स्कोर दिया जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है पैंतीस वैरायटी के गाय लॉज ने फिल्म को अत्यधिक प्रभावशाली आंसू झकझोरने वाली फिल्म माना जो भय आतंक और हृदय सूजन राहत की बारी बारी तरंगों से पकड़ती है यहां तक कि यह शायद ही आश्चर्यचकित कर सकती है छत्तीस स्क्रीनडेली के वेंडी आइड ने लिखा कि फिल्म मजबूत एक्शन दृश्यों से भरपूर है सैतीस डेडलाइन के पीट हैमंड ने लिखा है कि बायोना ने कहानी बनाई है कि कैसे सबसे खराब परिस्थितियों में मानवता एक दूसरे के लिए एक साथ आती है कैसे विश्वास हमें आगे बढ़ा सकता है और जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति कभी भी हार न मानकर एक चमत्कार करने में शामिल है अड़तीस द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने लिखा कि बायोना ने वास्तविक जीवन की त्रासदी और मानवीय लचीलेपन की कहानी को प्रामाणिकता और भयावह यथार्थवाद के साथ भावना के साथ लेकिन सनसनीखेज के बिना दोहराया है जो फिल्म को आसमान लेकिन अंत प्रभावी होने पर जोर देता है उनतालीस शीर्ष दस सूचिया यह फिल्म कई आलोचकों की 2023 की सर्वश्रेष्ठ स्पेनिश फिल्मों की शीर्ष दस सूची में शामिल हुई पहला एल एस्पनॉल श्रृंखला और मास सर्वसम्मति चालीस तीसरा सोनोरो सर्वसम्मति इकतालीस चौथा एल कॉन्फिडेंशियल सर्वसम्मति बयालीस चौथा एल मुंडो लुइस मार्टिनेज 43। छठा एल पेरियोडिको डी कैटालोनिया आलोचक चवालीस प्रशंसा पुरस्कार तारीख वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 30 सितंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सिटी ऑफ दोनोस्टिया बटा सैन सेबेस्टियन ऑडियंस अवार्ड बर्फ का समाज जीत गया 45 मिल वैली फिल्म फेस्टिवल 12 अक्टूबर 2023 विवाह तेईस ने आख्यान जीत गया छियालीस मिडिलबर्ग फिल्म फेस्टिवल 22 अक्टूबर 2023 हजार अंतर्राष्ट्रीय फीचर के लिए श्रोतागण पुरस्कार जीत गया सैतालीस मीडिया पुरस्कारों में हॉलीवुड संगीत 15 नवंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर स्वतंत्र फिल्म विदेशी भाषा माइकल गियाचिनो जीत गया अड़तालीस कैमरिमेज अठारह नवंबर 2023 सुनहरा मेंढक पेड्रो ल्यूक मनोनीत उनचास यूरोपीय फिल्म पुरस्कार 9 दिसंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइल एना और बेलेन लोपेस पुरिक सर्वर डेविड मार्टी और मोन्टसे रिबे जीत गया 50 सर्वोत्तम दृश्य प्रभाव फेलिक्स बर्गेस और लॉरा पेड्रो जीत गया वाशिंगटन डीसी एरिया फ़िल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवॉर्ड्स 10 दिसंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फ़िल्म बर्फ का समाज मनोनीत इक्यावन फोरक्यू पुरस्कार 16 दिसंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म मनोनीत बावन दलास फोर्ट वर्थ फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन 18 दिसंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म चौथा स्थान तिरपन एस्ट्रा फिल्म पुरस्कार 6 जनवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर लंबित चौवन सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता जे बायोना लंबित सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता एंजो वोग्रिंसिक लंबित गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार 7 जनवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म बर्फ का समाज लंबित पचपन क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स चौदह जनवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म लंबित छप्पन सर्वश्रेष्ठ अंक माइकल गियाचिनो लंबित फिरोज पुरस्कार 26 जनवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म बर्फ का समाज लंबित सत्तावन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जे बायोना लंबित सर्वश्रेष्ठ मूल साउंड ट्रैक माइकल गियाचिनो लंबित सर्वश्रेष्ठ ट्रेलर हरी ईटन लंबित कार्मेन पुरस्कार तीन फरवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ गैर अंडालूसी निर्मित फिल्म बर्फ का समाज लंबित अठावन गौडी पुरस्कार चार फरवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय फिल्म लंबित उनसठ सीईसी पदक पांच फरवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म लंबित साठ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जे बायोना लंबित सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा जे बायोना बर्नाट विलापलाना, जैमे मार्क्वेस निकोलस कैसारिगो लंबित सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता मटियास रिकार्ट लंबित सर्वश्रेष्ठ छायांकन पेड्रो ल्यूक लंबित सर्वोत्तम संपादन एंड्रेस गिल जैम मार्टी लंबित सर्वश्रेष्ठ संगीत माइकल गियाचिनो लंबित गोया पुरस्कार 10 फरवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म बर्फ का समाज लंबित इकसठ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जे बायोना लंबित सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा बर्नाट विलापलाना जे बायोना जैमे मार्क्स ओलारेगा निकोलस कैसारेगो लंबित सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता मटियास रिकार्ट लंबित सर्वश्रेष्ठ छायांकन पेड्रो ल्यूक लंबित सर्वोत्तम संपादन एंड्रेस गिल जैम मार्टी लंबित सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर माइकल गियाचिनो लंबित सर्वोत्तम ध्वनि जॉर्ज एड्राडोस ओरियोल टैरागो मार्क ऑट्स लंबित सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन एलेन बैनी लंबित सर्वोत्तम उत्पादन पर्यवेक्षण मार्गरिटा ह्यूगेट लंबित सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन जूलियो सुआरेज लंबित सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइल एना लोपेस पुइग्सेवर बेलेन लोपेस पुइ्सेवर मोटसे रिबे लंबित सर्वोत्तम विशेष प्रभाव पाओ कोस्टा फेलिक्स बर्गेस लॉरा पेड्रो लंबित उपग्रह पुरस्कार 18 फरवरी 2024 सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर माइकल गियाचिनो लंबित बासठ सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर अंतरराष्ट्रीय बर्फ का समाज लंबित शैक्षणिक पुरस्कार 10 मार्च 2024 सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर माइकल गियाचिनो चुने तिरसठ सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइल एना और बेलेन लोपेस सर्वर डेविड मार्टी और मोट्से रिबे चुने सर्वोत्तम दृश्य प्रभाव फेलिक्स बर्गेस और लॉरा पेड्रो चुने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म बर्फ का समाज चुने द ऑर्फनेज स्पेनिश एल ऑर्फनाटो 2007 की गौथिक अलौकिक होरर फिल्म है और जे बायोना की पहली फीचर फिल्म है फिल्म में बेलेन रुवेडा ने लॉरा की भूमिका निभाई है फर्नांडो ने उनके पति कार्लोस की भूमिका निभाई है और रोजर प्रिंसेप ने उनके दत्तक पुत्र साइमन की भूमिका निभाई है कथानक लौरा पर केंद्रित है जो अपने बचपन के घर एक अनाथालय में लौटती है लॉरा घर को विकलांग बच्चों के लिए घर में बदलने की योजना बना रही है लेकिन साइमन के साथ बहस के बाद वह लापता हो जाता है फिल्म की पटकथा उन्नीस सौ छियानवे में सर्जियोजी सांचेस द्वारा लिखी गई थी और 2004 में बायोना के ध्यान में लाई गई थी बायोना ने अपने लंबे समय के दोस्त निर्देशक डेल टोरो से फिल्म के निर्माण में मदद करने और इसके बजट और फ़िल्मांकन के समय को दोगुना करने के लिए कहा अनाथालय स्पेन और मेक्सिको के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सह उत्पादन है बायोना चाहती थी कि फ़िल्म में 1970 के दशक के स्पेनिश सिनेमा की झलक दिखे उन्होंने गेराल्डिन चैपलिन और बेलेन रुएडा को कास्ट किया जिनकी बाद में फिल्म में उनकी भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की गई यह फिल्म 20 मई 2007 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई जहां इसे 10 मिनट से अधिक समय तक खड़े होकर सराहना मिली इसे स्पेन में घरेलू आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और मूल पटकथा और नए निर्देशक सहित सात गोया पुरस्कार जीते उत्तरी अमेरिकी रिलीज पर द ऑर्फनेज की अंग्रेज़ी भाषी आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई जिन्होंने फिल्म को अच्छी तरह से निर्देशित और अच्छी तरह से अभिनय किया और फिल्म में सस्ते डर की कमी को नोट किया बाद में न्यू लाइन सिनेमा ने अमेरिकी रीमेक के लिए फ़िल्म के अधिकार खरीदे कथानक स्पेन में लॉरा गार्सिया रोड्रिग्ज नाम की एक युवा लड़की को एक अनाथालय से गोद लिया गया है तीस साल बाद वयस्क लौरा अपने पति कार्लोस सांचेज रिवेरा और अपने सात वर्षीय बेटे साइमन के साथ बंद अनाथालय में लौट आती है वह विकलांग बच्चों के लिए एक सुविधा के रूप में अनाथालय को फिर से खोलने की योजना बना रही है साइमन का दावा है कि उसने टॉमस नाम के एक लड़के से दोस्ती की है और एक बच्चे के रूप में बोरी का मुखौटा पहने हुए उसकी तस्वीरें खींची है सामाजिक कार्यकर्ता बेनिग्ना एस्कोबेडो साइमन के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके घर जाती है और यह पता चलता है कि लॉरा और कार्लोस ने साइमन को गोद लिया था और वह एच पॉजिटिव है बेनिग्ना की घुसपैठ से नाराज लॉरा ने उसे जाने के लिए कहा उस रात बाद में लॉरा बेनिग्ना को अनाथालय के कोयला शेड में पाती है लेकिन बेनिग्ना घटनास्थल से भाग जाती है बाद में साइमन लॉरा को एक खेल सिखाता है जो उसके विजेता को एक इच्छा देता है सुराग दोनों को साइमन की गोद लेने की फाइल तक ले जाते हैं साइमन क्रोधित हो जाता है और कहता है कि उसके नए दोस्त ने उसे बताया कि लॉरा उसकी जैविक दोस्तों इसे रिलीज़ किया गया था वेनिस के अंदर तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो 9 सितंबर 2023 को और इसी के बाद दोस्तों इसे 13 अक्टूबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ किया गया है और इसी के बाद इसे 15 दिसंबर को स्पेनिश के अंदर रिलीज़ किया गया था और तकरीबन बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलेक्शन रहा साथ ही साथ इसी के साथ इसकी लेंथ की बात की जाए तो एक सौ चौवालीस और मेन बेस एक जैसे कंट्री की बात की जाए लैंग्वेजों की बात की जाए तो स्पेनिश इसकी मेन बेस लैंग्वेज होने वाली है जी दोस्तों बाकी नेटफ्लिक्स डब द्वारा इसे मल्टीपल लैंग्वेज में डब किया जाएगा हिंदी इंग्लिश में भी अवेलेबल कराई जाएगी दोस्तों बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जैसे कि मैं हमेशा प्रोवाइड कराता हूँ आप जाकर चेकआउट कर सकते हो बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल बने हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बारे में इसकी कास्टिंग के बारे में मैं आपको आगे जानकारी देता हूँ जुआन एंटोनियो गार्सिया बायोना एक जन्म 9 मई उन्नीस सौ पचहत्तर दो तीन एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं उन्होंने 2007 की होरर फिल्म द ऑर्फनेज 2012 की ड्रामा फिल्म दी इम्पॉसिबल और 2016 की फंतासी ड्रामा फिल्म ए मॉन्स्टर कॉल्स का निर्देशन किया 2018 में उन्होंने साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम का निर्देशन किया जो जुरासिक पार्क फिल्म श्रृंखला की पांचवीं किस्त है उनकी सबसे हालिया फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो है जो छियानवेवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए स्पेनिश प्रविष्टि है उन्होंने टेलीविजन विज्ञापनों और संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया है उ... उन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर के पहले दो एपिसोड का निर्देशन किया प्रारंभिक जीवन बायोना का जन्म बार्सिलोना स्पेन में हुआ था उन्होंने जो पहली फिल्म देखी वह रिचर्ड डोनर की सुपरमैन 1978 थी जिसने उन्हें निर्देशक बनने के लिए प्रेरित किया चार उन्होंने एस्कोला सुपीरियर डी सिनेमा आई ऑडियो विजुअल्स डी कैटालोनिया एससीएससी में अध्ययन किया पांच उन्नीस साल की उम्र में क्रोनोस उन्नीस सौ तिरानवे प्रस्तुत करने वाले सिज्जेस फिल्म फेस्टिवल में उनकी मुलाकात गुइलेर्मो डेल टोरो से हुई और बयोना ने उन्हें वहां एक गुरु के रूप में पहचाना छह उनकी शुरुआती बातचीत के बाद डेल टोरो ने वादा किया कि अगर वह कभी भी ऐसा करने की स्थिति में होंगे तो वह भविष्य में बायोना की सहायता करेंगे कैरियर 1990 का दशक ये सी से स्नातक होने के बाद उन्होंने विज्ञापनों और संगीत वीडियो का निर्देशन करते हुए अपना करियर शुरू किया 20 साल की उम्र में उन्होंने स्पेनिश बैंड ओबीके के लिए दृश्य श्रव्य निर्माता के रूप में अपने पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए उनके साथ तीन साल तक काम करने के बाद उन्हें संगीत वीडियो टू सिग असी के लिए प्रेमियोस ओंडास से सम्मानित किया गया पांच सात तब से वह कैमेला समूह के प्रमुख निदेशक बन गए और उन्हें कोमो रिपार्टिमोस लॉस एमिगोस टुकड़े को चित्रित करने के लिए नियुक्त किया गया जिसमें एला बैला सोला की जोड़ी ने अपने दर्शकों को विदाई दी उन्होंने पास्टोरा सोलर मी सोलेदाद फ़ैंगोरिया नेना डकॉन्ट एल एलेफ एनरिक बनबरी और मिरेन इजा फ़्रेंते ए फ्रेंते के लिए संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया है जिसमें मूल गायिका जीनत दिखाई देती हैं वीडियो का अंत 2012 में उन्होंने ब्रिटिश बैंड कीन द्वारा डिस्कनेक्टेड के लिए संगीत वीडियो बनाया 1999 में उन्होंने लघु फिल्म माई हॉलीडेज और 2002 में दस पंजमैन का निर्देशन किया 2000 के दशक 2008 में पेरिस में द ऑर्फनेज प्रस्तुत करते हुए बेलेन रुएडा और गुइलेर्मो डेल टोरो के बगल में बियोना 2004 में बायोना की मुलाकात लेखक सर्जियोजी सांचेस से हुई जो लघु सात पर काम कर रहे थे सांचेज ने बियोना को द ऑर्फनेज की स्क्रिप्ट की पेशकश की आठ अपनी इच्छित फिल्म बनाने के लिए बायोना को फिल्म का बजट और उसका रनटाइम दोनों दोगुना करना पड़ा उन्हें गुइलेर्मो डेल टोरो द्वारा सहायता प्रदान की गई जिन्होंने इसे सह निर्मित करने की पेशकश की द ऑर्फनेज का प्रीमियर 20 मई 2007 को कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ जहां इसे 10 मिनट से अधिक समय तक खड़े होकर सराहना मिली महीनों बाद 11 अक्टूबर 2007 को इसका स्पेनिश सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ और 8.3 मिलियन डॉलर की कमाई हुई 9 दस बायोना को 2008 में सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक के लिए गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फिल्म को गोयास की 14 श्रेणियों के लिए नामांकित किया गया था और साथ में जीत हासिल की नौ ग्यारह उसी वर्ष अक्टूबर में वैरायटी ने घोषणा की कि यूनिवर्सल स्टूडियो ने इसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं बायोना डेविड मुडी की फिल्म हेटर का रूपांतरण करेगी जिसे ग्लेन माजारा ने लिखा है और गुइलेर्मो डेल टोरो द्वारा निर्मित किया गया है बयोना उन कई उम्मीदवारों में से एक थीं जिन्हें द ट्वाइलाइट सागा इक्लिप्स का निर्देशन करने के लिए विचार किया गया था लेकिन उन्हें फिल्म बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी बारह दो का दशक अगस्त 2010 में उन्होंने दी इम्पॉसिबल का फिल्मांकन शुरू किया जो 2004 के हिंद महासागर में आए भूकंप के दौरान रहने वाले एक स्पेनिश परिवार के अनुभवों पर आधारित था तेरह चौदह अंग्रेज़ी में फिल्माई गई और इवान मैकग्रेगर और नाओमी वॉट्स अभिनीत यह फिल्म सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के साथ 11 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई थी अपने पहले सप्ताहांत में इसने 8 डॉलर 6 मिलियन की कमाई की जिसने स्पेनिश बॉक्स ऑफिस के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया नाओमी वॉट्स की व्याख्या के लिए दी इम्पॉसिबल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था फिल्म को गोया अवार्ड्स में चौदह श्रेणियों में नामांकित किया गया था जिसमें सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टॉम हॉलैंड शामिल थे जिनमें से इसने पाँच पुरस्कार जीते 2013 में दी इम्पॉसिबल को सैन सेबेस्टियन के इकसठवें अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के ढांचे में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला मार्च 2012 में बायोना ने संगीत वीडियो डिस्कनेक्टेड का निर्देशन किया जो ब्रिटिश बैंड कीन के एल्बम स्ट्रेंजलैंड का दूसरा एकल था बैंड ने कहा है कि वह बायोना के फिल्मी काम की प्रशंसा करता है और बायोना ने कहा है कि वह कीन के संगीत का अनुसरण करता है 11 सितंबर 2016 को कीन ने एक विशेष नए गीत टियर अप दिस टाउन के लिए एक संगीत वीडियो जारी किया जो बायोना द्वारा निर्देशित फंतासी ड्रामा फ़िल्म ए मॉन्स्टर कॉल्स के लिए लिखा और रिकॉर्ड किया गया था सिंगल को 23 सितंबर 2016 को डिजिटल डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया गया था 15 जॉन लोगन द्वारा निर्मित और मूल रूप से शोटाइम पर रिलीज़ हुई पेनी ड्रेडफुल श्रृंखला के पहले दो एपिसोड के निर्देशन के लिए बायोना जिम्मेदार थी डब्लिन में फिल्माई गई यह श्रृंखला एक ऐसे समूह की कहानी बताती है जिसमें एक अमीर आदमी एक माध्यम एक बंदूकधारी और एक युवा डॉक्टर शामिल हैं जो अमीर आदमी की लापता बेटी की तलाश कर रहे हैं ऐसा करने के लिए उन्हें अजीब प्राणियों और फ्रेंकस्टीन ग्रैकुला और डोरियन ग्रे जैसे विक्टोरियन युग के साहित्यिक पात्रों का सामना करना होगा बायोना के अनुसार श्रृंखला के कई निर्माता हैं 2014 में बायोना ने फिल्म ए मॉन्स्टर कॉल्स की शूटिंग शुरू की जो पैट्रिक नेस के उपन्यास का रूपांतरण था जिसमें लुइस मैकडॉगल, फेलिसिटी जोन्स और लियाम नीसन ने अभिनय किया था फिल्म जो 2016 में रिलीज हुई थी एक युवा लड़के मैकडॉगल की कहानी बताती है जो कैंसर से पीड़ित अपनी मां जोन्स की देखभाल करता है जबकि एक राक्षस नीसन से दोस्ती करता है इस फिल्म के साथ बायोना ने मां बच्चे के रिश्तों के बारे में अपनी निजी त्रयी को बंद कर दिया सोलह दो में बायोना ने साइंस फिक्शन सिक्वल जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम का निर्देशन किया सत्रह फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली लेकिन बायोना के निर्देशन को प्रशंसा मिली 18 यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी थी जो 2018 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म और अब तक की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई बायोना ने अमेज़न प्राइम वीडियो श्रृंखला द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर के पहले दो एपिसोड का निर्देशन किया जिसे 3 फरवरी 2020 से न्यूजीलैंड में फ़िल्माया गया और 2 सितंबर 2022 को प्रीमियर किया गया उन्नीस बीस भविष्य की परियोजनाएं अक्टूबर 2008 में वैरायटी ने घोषणा की कि यूनिवर्सल स्टूडियो ने नियमित लोगों के कारण होने वाली हिंसा की महामारी के बारे में ब्रिटिश लेखक डेविड मूडी के थ्रिलर उपन्यास हेटर का निर्देशन करने के लिए बायोना पर हस्ताक्षर किए हैं फिल्म ग्लेन माजारा द्वारा लिखी जाएगी और ग्इलेरमो डेल टोरो और मार्क जॉनसन द्वारा निर्मित होगी नवम्बर दो हजार में यह घोषणा की गई थी कि बयोना नेटफ्लिक्स के लिए आपदा ड्रामा सोसाइटी ऑफ दस्नो का निर्देशन करेगी जो उरुग्वे वायु सेना की उड़ान 571 की सच्ची कहानी पर आधारित है जो अक्टूबर उन्नीस में एंडीज में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी नवंबर 2022 में सेविले यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल में बायोना ने घोषणा की कि वह मैनुअल चावेस नोगेल्स की किताब ए संग्रे वाई फ्यूगो के रूपांतरण में अगस्टिन डियाज यानेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तेईस फिल्मोग्राफी फीचर फिल्में वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता 2007 हजार सात अनाथालय हा नहीं, नहीं दो हजार बारह असंभव हाँ नहीं 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 2016 एक राक्षस बुलाता है हाँ नहीं नहीं 2018 हजार अठारह जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम हा नहीं नहीं 2023 बर्फ का समाज हा हाहा हा 2025 हजार पच्चीस ए संग्रे वाइफ हुए गो हाहा हा, हा टीबीए कार्यकारी निर्माता मैरोबोन 2017 हजार सत्रह आई हेट न्यूयॉर्क 2018 हजार अठारह डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्में वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक कार्यकारी निर्माता टिप्पणिया उन्नीस सौ निन्यानवे एमआईएस रिक्तिया हाहा हा नहीं दो हजार तीन एल होम्ब्रे एसपोजाहा दो हजार आठ ला डेसग्रेसिया एन तीन डी हाहा हा नहीं दो हजार पंद्रह हैती में नौ दिन हा हा नहीं वृत्तचित्र लघु नहीं मैं शांत हूँ नहीं, नहीं हा टेलीविजन वर्ष शीर्षक निदेशक कार्यकारी निर्माता टिप्पणिया 2014 डरावना कौड़ी हा नहीं एपिसोड नाइटवर्क और सेंस 2022 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर हा हा दो एपिसोड पुरस्कार और नामांकन बायोना 2017 में इकतीस वे गोया अवार्ड्स में भाग ले रही हैं वर्ष शीर्षक पुरस्कार वर्ग परिणाम 2008 अनाथालय गोया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक जीत गया 2012 असंभव डेट्रॉइट फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोनीत 2013 गोया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीत गया गौडी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीत गया कैपरी पुरस्कार कैपरी निदेशक पुरस्कार जीत गया कैप्री यूरोपीय निदेशक पुरस्कार जीत गया सिनेमा राइटर्स सर्कल अवॉर्ड्स सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोनीत 2016 एक राक्षस बुलाता है गोया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीत गया 2017 हजार गौडी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 24 जीत गया फिरोज पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 25 मनोनीत सेंड्रा हरमिडा मुनिज जन्म 22 जुलाई उन्नीस सौ बहत्तर एक स्पेनिश फिल्म निर्माता और प्रोडक्शन मैनेजर हैं उन्होंने 30 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का निर्माण किया है जैसे द इम्पेशमिस्ट अल्केमिस्ट 2002, द ऑर्फनेज 2007, हजार सात द इम्पॉसिबल दो, दो, दो और ए मॉन्स्टर कॉल्स 2016। कैरियर सेंड्रा हर्मेडा मुनिस ने मैड्रिड के कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय से छवि और ध्वनि में लाइसेंस प्राप्त किया है एक उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्नीस में मिगुएल अल्बालाडेजो द्वारा निर्देशित फ़िल्म ला प्राइमेरा नोचे डे मीई विदा के समन्वयक स्पेनिश रेगेडोरा के रूप में की 2000 में उन्होंने साल्वाडोर गार्सिया रुइस्तों द्वारा निर्देशित फिल्म दी अदर साइड में प्रोडक्शन प्रमुख के रूप में काम किया वह कई फिल्मों की निर्माता रही हैं जैसे पेट्रिसिया फरेरा की द इम्पेशेंट अल्केमिस्ट दो और द ऑर्फनेज तीन दी इम्पॉसिबल चार और जे बायोना की ए मॉन्स्टर कॉल्स पांच उनकी अन्य फिल्म क्रेडिट में मैरोबोन अलॉफ्ट कार्मिना वाई आमीन टोरेडी सुसो रिटर्न टू हंसाला मेडिटेरेनियन फूड स्पेनिश मूवी और ब्यूटीफुल शामिल हैं इसके अलावा हरमिडा कोलो से प्रोड्यूसियोन्स की सह संस्थापक और निदेशक हैं जिसे उन्होंने 2004 में सहायक निदेशक जेवियर सोटो के साथ स्थापित किया था साथ उनकी कंपनी द्वारा निर्मित फिल्मों में नौ डायस एनहैती ऑक्सफैम इंटरमोन की एक लघु वृत्तचित्र आई हेट न्यूयॉर्क और मिराज शामिल हैं आठ फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका उन्नीस सौ निन्यानवे वाइफ मिलियातों टीवी श्रृंखला निर्माता 2002 दूसरा पहलू उत्पादन के मुखिया 2002 अधीर रसायन शास्त्री निर्माता 2003 लॉस अबाजो फर्मेंटेस निर्माता 2003 रात में आवाजें निर्माता 2004 हिप्नोस निर्माता 2006 हजार अमोर एन डिफेंसा प्रोपिया निर्माता 2006 हजार छह सूरजमुखी की रात निर्माता उत्पादन प्रबंधक 2006 हजार वह एक बार फिर से ठीक हो गया है निर्माता 2007 हजार सात अनाथालय कार्यकारी निर्माता उत्पादन प्रबंधक 2007 हजार सात लाटोरेडे सुसो निर्माता 2008 लास मानोस डेल पियानिस्टा निर्माता 2008 भूमध्य भोजन कार्यकारी निर्माता 2008 हजार आठ हंसाला को लौटेन निर्माता 2008 कोई चिंता नहीं निर्माता 2009 हजार नौ गार्बो दसपाएँ कार्यकारी निर्माता 2009 हजार नौ स्पेनिश मूवी निर्माता 2010 ब्यूटीफुल सह निर्माता 2011 हजार ग्यारह एंट्रेविस्टा निर्माता दो भूत स्नातक निर्माता 2012 हजार बारह एल निर्माता 2012 हजार बारह असंभव कार्यकारी निर्माता 2014 हजार चौदह ऊपर कार्यकारी निर्माता 2014 हजार चौदह ऑटोमेटा निर्माता 2014 हजार चौदह और आमीन कार्यकारी निर्माता 2015 हजार पंद्रह हैती में नौ दिन लघु कार्यकारी निर्माता 2016 एक राक्षस बुलाता है सह निर्माता 2016 हजार पेट्रोना कार्यकारी निर्माता 2017 हजार अदृश्य अतिथि निर्माता 2017 हजार मज्जा हड्डी कार्यकारी निर्माता 2018 मुझे न्यूयॉर्क से नफरत है निर्माता 2018 हजार अठारह मृगतृष्णा कार्यकारी निर्माता पुरस्कार हरमिडा ने द ऑर्फनेज 2007 हजार सात तीन दी इम्पॉसिबल दो हजार बारह चार और ए मॉन्स्टर कॉल्स दो हजार सोलह नौ के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन का गोया पुरस्कार जीता साथ ही गार्बो दसपाए के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार भी जीता दो हजार दस में एक शून्य दो शून्य एक तीन में उन्होंने दी इम्पॉसिबल के लिए विजुअल इफ़ेक्ट्स सोसाइटी अवार्ड्स में फ़ीचर मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक विजुअल इफ़ेक्ट्स का पुरस्कार जीता एक एक दो शून्य एक साथ में उन्होंने ए मॉन्स्टर कॉल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन के लिए गौडी पुरस्कार जीता अनाथालय के उद्घाटन के लिए एक पार्टी के दौरान लौरा और साइमन बहस करते हैं और निराशा में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद साइमन उससे छिप जाता है जिसका उसे तुरंत पछतावा होता है उसकी तलाश करते समय उसकी मुलाकात बोरी का मुखौटा पहने एक बच्चे से होती है जो उसे बाथरूम में धकेल देता है और अंदर बंद कर देता है जब लॉरा भाग जाती है तो उसे पता चलता है कि साइमन गायब है और उसे ढूंढने में असमर्थ है उस रात लॉरा ने अनाथालय की दीवारों के भीतर कई तेज आवाजें सुनी पुलिस मनोवैज्ञानिक पिलर ने लॉरा और कार्लोस को सुझाव दिया कि बेनिग्ना ने साइमन का अपहरण कर लिया होगा छह महीने बाद साइमन अभी भी लापता है उसे खोजते समय लॉरा बेनिग्ना को देखती है जिसे बाद में एक एम्बुलेंस ने मारा और मार डाला पुलिस को इस बात के सबूत मिले कि बेनिग्ना अनाथालय में काम करती थी और उसका टॉमस नाम का एक बेटा भी था जो वहीं रहता था लेकिन उसके चेहरे की विकृति के कारण उसे छिपाकर रखा गया था लौरा को गोद लिए जाने के कुछ सप्ताह बाद अनाथों ने वह मुखौटा चुरा लिया जो टॉमस ने अपने विकृत चेहरे को छुपाने के लिए पहना था शर्मिंदा होकर टॉमस ने पास की समुद्री गुफा में अपना छिपने का स्थान छोड़ने से इनकार कर दिया और बढ़ते ज्वार ने उसे डुबो दिया माइकल गियाचिनो बटाडी के आई एनओ बटाजे के नो इतालवी उच्चारण डीए के की नो एक जन्म 10 अक्टूबर उन्नीस फिल्म टेलीविजन और वीडियो गेम के लिए संगीत के एक अमेरिकी संगीतकार हैं उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें अब 2009 में उनके काम के लिए ऑस्कर लॉस्ट 2004 में उनके काम के लिए एमी और रेटॉली 2007 और अब 2009 में उनके काम के लिए तीन ग्रैमी पुरस्कार शामिल हैं 2018 की शुरुआत में उन्होंने निर्देशन में भी कदम रखा और एक निर्देशक के रूप में उन्हें मार्वल स्टूडियोज के वेयरवोल्फ बाय नाइट के लिए जाना जाता है जियाचिनो को निर्देशक जे जे अब्राम्स ब्रैड बर्ड मैट रीव्स पीट डॉक्टर कॉलिन ट्रेवोर जॉन वॉट्स ब्रू गोडार्ड द वाचोव्स्की, तायका वेटिटी और थॉमस बेजुचा के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है जियाचिनो के फिल्म स्कोर में मिशन इम्पॉसिबल की कई फिल्में शामिल हैं जुरासिक वर्ल्ड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार ट्रेक रिबूट श्रृंखला आठ पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो फिल्में दुष्टवन द बैटमैन और कई अन्य फिल्में जियाचिनो ने वीडियो गेम श्रृंखला मेडल ऑफ ऑनर और कॉल ऑफ ड्यूटी और टेलीविजन शय रिंखला एलियास लॉस्ट और फ्रिंज के लिए स्कोर भी तैयार किया प्रारंभिक जीवन जियाचिनो का जन्म रिवरसाइड टाउनशिप न्यू में हुआ था उनके पिता के पूर्वज इटालियन थे जो सिसिली से आए थे और उनकी मां के पूर्वज अब्रूजो इटली के केंद्र में से आए थे जियाचिनो एजवाटर पार्क टाउनशिप न्यूजर्जी में पले बढ़े दो और उन्नीस में डेलरान टाउनशिप न्यूजर्जी के होली क्रॉस स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तीन उनके पास दोहरी अमेरिकी और इतालवी नागरिकता है चार उनके भाई एंथनी गियाचिनो एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता हैं जियाचिनों ने 10 साल की उम्र में छवियों और संगीत का संयोजन शुरू किया जब उन्होंने अपने बेसमेंट में होममेड साउंडट्रैक साउंड ट्रैक के साथ स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाना शुरू किया हाई स्कूल में रहते हुए एक कला शिक्षक जिसने गियाचिनों को सलाह दी थी ने उसके माता पिता से सिफारिश की कि वह न्यूयॉर्क शहर में स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में भाग ले गियाचिनों ने अपने माता पिता के साथ स्कूल जाने का वर्णन इस प्रकार किया है पांच मैंने सोचा वाह यह तो शानदार है क्या वाकई उनके पास ऐसे कॉलेज हैं मैं वे चीजें कहाँ कर सकता हूं जिन्हें करने में मेरी सचमुच रुचि है वह मेरे लिए आश्चर्यजनक था मुझे एसवीए बहुत पसंद आया मुझे उस प्रकार की स्वतंत्रता पसंद आई जो इसने प्रदान की यह एक प्रकार से इस महान प्रयोग जैसा था ठीक है आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपको कुछ पसंद है तो चलिए देखते हैं आपको यह कितना पसंद आता है हम आपको बहुत अधिक विनियमित नहीं करने जा रहे हैं हम यह देखने जा रहे हैं कि आप कितने भावुक और प्रेरित हैं और आप इस चीज को कितना चाहते हैं पांच गयाचिनों ने एसवीए में दाखिला लिया फिल्म निर्माण में पढ़ाई की और इतिहास में मामूली काम किया एसवीए में अपने अंतिम वर्ष के दौरान फिल्म प्रचार में उनके प्रशिक्षक ने घोषणा की कि यूनिवर्सल पिक्चर्स में एक अवैतनिक इंटर्नशिप उपलब्ध है गियाचिनो जो एकमात्र दिलचस्पी रखने वाला था ने छह महीने का पद प्राप्त किया जिसे उसने रात में भरा दिन के दौरान स्कूल जाता था और अपना किराया चुकाने के लिए मैसी में काम करता था उन्होंने 1990 में एस से बैचलर ऑफ फ़ाइन आर्ट्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की जिसके बज उन्होंने जूलियार्ड स्कूल और फिर यूसीए में संगीत की कक्षाएं लीं पांच छह सात आठ कैरियर वीडियो गेम जब जियाचिनों की इंटर्नशिप समाप्त हो गई तो यूनिवर्सल ने उसे काम पर रख लिया और कॉलेज से स्नातक होने पर उसे नौकरी दे दी बाद में वह डिज्नी चले गए और जब डिज्नी लॉस एंजल्स में स्थानांतरित हो गए तो जियाचिनो उनके साथ चले गए प्रचार में काम करते हुए यूसीएलए में इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑर्केस्ट्रेशन में रात की कक्षाएं लीं डिज़्नी के लिए उनके काम ने उन्हें फ़िल्मों में काम करने वाले विभिन्न कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित किया जैसे कि निर्माता जिन्होंने संगीतकारों को काम पर रखा था इसलिए जब डिज्नी इंटरेक्टिव में एक निर्माता के लिए नौकरी खुली तो जियाचिनों ने यह सोचकर नौकरी प्राप्त की कि वह खुद को संगीत लिखने के लिए काम पर रख सकते हैं उनके द्वारा निर्मित खेल पांच छह सात सोलह बिट युग के दौरान डिज्नी इंटरेक्टिव के लिए जियाचिनों के रचना कार्य में सेगा जेनेसिस गेम गार्गोइल्स कोल्ड शैडो में एस एन एस गेम माउई मल्लाड और द लायन किंग के विभिन्न कंसोल संस्करण शामिल थे नौ हालांकि उनकी पहली प्रमुख रचना उन्नीस सौ सत्तानवे की फ़िल्म द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क के ड्रीमवर्क्स वीडियो गेम रूपांतरण के लिए थी दस वीडियो गेम मूल लाइव ऑर्केस्ट्रा स्कोर के साथ रिकॉर्ड किए जाने वाले पहले प्लेस्टेशन, सेगा सैटर्न पर भी कंसोल शीर्षकों में से एक था जियाचिनों ने तब से ड्रीमवर्क्स के साथ अपना रिश्ता जारी रखा है जिसमें उन्नीस सौ में स्मॉल सोल्जर्स वीडियो गेम के लिए स्कोर तैयार करना उनके कई लोकप्रिय वीडियो गेम के लिए पूर्ण ऑर्केस्ट्रा स्कोर प्रदान करना भी शामिल था उन्होंने भाड़े के सैनिकों के लिए थीम विनाश का खेल का मैदान बनाने के लिए महामारी स्टूडियो के साथ भी काम किया गयाचिनों की पुरस्कार विजेता रचनाओं में मेडल ऑफ ऑनर श्रृंखला की पहली चार किस्तें मेडल ऑफ ऑनर अंडरग्राउंड एलाइड असॉल्ट और फ्रंटलाइन हीरोज दो और कई अन्य द्वितीय युद्ध से संबंधित वीडियो गेम जैसे सीक्रेट वेपन्स के स्कोर भी शामिल हैं नॉर्मंडी के ऊपर कॉल ऑफ ड्यूटी और कॉल ऑफ ड्यूटी फाइनेस्ट ओवर। ग्यारह इसके अतिरिक्त गियाचिनो ने द इनक्रेडिबल्स राइज ऑफ द अंडरमाइनर के लिए विषयों की रचना की और संगीतकार क्रिस टिल्टन के साथ ब्लैक के विषय को सह लिखा बारह उन्होंने अलियास के लिए स्कोर भी तैयार किया जो इसी नाम की टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित था 2008 में जियाचिनो ने टर्निंग पॉइंट फॉल ऑफ लिबर्टी के लिए संगीत लिखा एक तीन दो शून्य शून्य सात में वह मेडल ऑफ ऑनर फ्रेंचाइजी में लौट आए क्योंकि उन्होंने मेडल ऑफ ऑन र एयरबोर्न के लिए संगीत तैयार किया था चौदह फिल्म और टेलीविजन विभिन्न वीडियो गेम पर जियाचिनों के काम के कारण उनका टेलीविजन में प्रवेश हुआ 2001 में टेलीविज़न श्रृंखला एलियास के निर्माता जे जे अब्राम्स ने अपने वीडियो गेम के काम के माध्यम से जियाचिनों की खोज की और उनसे नए शो का साउंड ट्रैक प्रदान करने के लिए कहा साउंड ट्रैक में पूर्ण आर्केस्ट्रा के टुकड़ों का मिश्रण दिखाया गया था जो अक्सर उत्साहित इलेक्ट्रॉनिक संगीत के साथ मिश्रित होता था जो उनके पिछले काम से अलग था जियाचिनों ने जे जे अबराज की 2004 की टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट के लिए स्कोर प्रदान किया 15 एक प्रशंसित स्कोर बनाया जिसमें टक्कर भागों के लिए विमान के धड़ के अतिरिक्त टुकड़ों का उपयोग करने की एक अनूठी प्रक्रिया को नियोजित किया गया था लॉस्ट का स्कोर एक विशिष्ट विषयगत रूपांकन के लिए भी उल्लेखनीय है कुछ विषयों के अंत में एक पीतल की गिरावट सोलह अपने समकक्ष स्टू फिलिप्स की तरह उन्होंने टेलीविज़न शो निर्माता अब्राम्स के साथ उनके शो में अपने संगीत स्कोर के साथ काम किया जबकि अब्राम्स ने अलियास जैसी कुछ श्रृंखलाओं पर शो के मुख्य विषयों की आपूर्ति की 2004 में जियाचिनो को अपना पहला बड़ा फ़ीचर फिल्म कमीशन प्राप्त हुआ पिक्सर के द इनक्रेडिबल्स के निर्देशक ब्रैड बर्ड ने अलियास पर उनका काम सुनने के बाद गियाचिनों से फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान करने के लिए कहा सत्रह उत्साहित जैज ऑर्केस्ट्रा ध्वनि न केवल जियाचिनों के लिए बल्कि पिक्सर के लिए शैली में एक प्रस्थान थी जो पहले अपनी सभी फ़िल्मों के लिए रैंडी और थॉमस न्यूमैन पर निर्भर थी निर्देशक ब्रैड बर्ड ने मूल रूप से जॉन बैरी की तलाश की थी जो शायद शुरुआती जेम्स बॉन्ड फिल्मों में अपने काम के लिए आने जाते थे लेकिन बैरी कथित तौर पर अपने पहले के काम की शैलियों को दोहराने के लिए तैयार नहीं थे अठारहनों को 2005 में द इनक्रेडिबल्स के लिए दो ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंड ट्रैक एल्बम और सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना उन्नीस अपने अन्य समक्षों जोएल मैकनेली जेसी रेडफोर्ड और फ्रैंक डेवोल की तरह जियाचिनो अपने करियर की शुरुआत से लेकर हाल तक ज्यादातर डिज्नी के साथ जुड़े रहे मिकी मेनिया और गार्गॉयल्स जैसे वीडियो गेम से लेकर द इनक्रेडिबल्स जैसी फिल्मों तक और अंत वॉल्ट डिज्नी के साथ सहयोग किया डिज्नीलैंड में स्पेस माउंटेन के अद्यतन संस्करणों के लिए दो नए साउंड ट्रैक बनाने की कल्पना स्पेस माउंटेन डिज्नीलैंड पेरिस में मिशन दो और हांगकांग डिज्नीलैंड में स्पेस माउंटेन बीस गियाचिनो ने 2005 की फिल्म स्काई हाई और द फैमिली स्टोन और टेलीविजन फिल्म द मपेट्स विजार्ड ऑफ ओस के लिए भी संगीत तैयार किया इसके अतिरिक्त उन्होंने जोसेफ बारबेरा के अंतिम नाटकीय टॉम एंड जेरी कार्टून द कराटे गार्ड के लिए संगीत लिखा और अब्राम्स द्वारा निर्देशित 2006 की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल थ्री के लिए संगीत दिया 21 जियाचिनों की अगली संगीत उपलब्धि डिज्नी पिक्सर फ़िल्म रैड टॉयल के लिए उनका पेरिस प्रेरित स्कोर था जिसमें फ्रांसीसी कलाकार केमिली द्वारा प्रस्तुत थीम गीत ले फेस्टिन शामिल है इस स्कोर के लिए उन्हें अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ उन्होंने अबरास की 2009 की स्टार ट्रेक फिल्म के लिए स्कोर भी बनाया जियाचिनो ने पिक्सर फिल्म आप और इसके साथ एनिमेटेड शॉर्ट पार्टली क्लाउडी बनाई जिसके लिए उन्होंने निर्देशक पीट डॉक्टर के साथ सहयोग किया यह पहली बार है जब जियाचिनो ने ब्रैड बर्ड के अलावा किसी पिक्सर निर्देशक के साथ काम किया इस काम ने जियाचिनों को सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार दिलाया उस श्रेणी में पिक्सर के लिए यह पहली जीत थी गियाचिनो ने नोट किया कि उन्होंने उसी रात जीता था जब उनके एसवीए सहपाठी जोएल हार्लो ने स्टार ट्रेक के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का ऑस्कर जीता था पांच जियाचिनो ने जे जे के साथ अपना सहयोग जारी रखा है अब्राम्स द्वारा निर्मित मॉन्स्टर फिल्म क्लोवर फील्ड के लिए गियाचिनो ने रोर शीर्षक से एक ओवरचर में जापानी मॉन्स्टर स्कोर के लिए एक श्रद्धांजलि लिखी जो क्रेडिट के ऊपर बजाया गया और फिल्म के लिए एकमात्र मूल संगीत का गठन किया उन्होंने 2011 में जे जे अब्राम्स के फीचर सुपर आठ के लिए स्कोर तैयार किया उन्होंने अब्राम्स द्वारा निर्मित अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला फ्रिंज के पायलट के लिए भी संगीत तैयार किया जिसके बाद जियाचिनो ने अपने सहायक चार सीटर को स्कोरिंग का काम सौंपा जिन्होंने सीजन एक का पहला भाग स्कोर किया था इसके बाद यह कार्य क्रिस टिल्टन को सौंपा गया जिन्होंने पहले सीजन के उत्तरार्ध और उसके बाद के सभी सीजन में स्कोर बनाया 2016 में जियाचिनों ने मार्वल फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए स्कोर तैयार किया साथ ही डिज्नी फ़िल्म जूटोपिया के लिए भी स्कोर बनाया गयाचिनों ने नए मार्वल स्टूडियोज लोगों के लिए भी धूमधाम तैयार की जो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ शुरू हुआ 22 सितंबर 2016 में यह घोषणा की गई थी कि गियाचिनो को स्टार वार्स एंथोलॉजी फ़िल्म रोग वन के लिए संगीतकार एलेक्जेंडर डेसप्लेट की जगह लेने के लिए चुना गया था क्योंकि डेसप्लेट रीशूट के बाद अनुपलब्ध था तेईस गियाचिनों ने इसके बाद चार और मार्वल फिल्में बनाई 2017 हजार सत्रह की स्पाइडरमैन होम कमिंग दो हजार उन्नीस की स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम दो हजार इक्कीस की स्पाइडर मैन नो वे होम और दो हजार बाईस की थॉर लव एंड थंडर। चौबीस पच्चीस जियाचिनो कोको दो हजार सत्रह और इनक्रेडिबल्स दो हजार अठारह स्कोर करने के लिए पिक्सर लौट आए छब्बीस उन्होंने तायका वेटिटी की दो हजार उन्नीस की फिल्म जोजो जो रैबिट के लिए स्कोर भी तैयार किया दो हजार बाईस में जियाचिनो ने द बैटमैन के लिए स्कोर और पिक्सर फिल्म लाइटियर के लिए स्कोर तैयार किया सत्ताईस दो हजार अठारह में जियाचिनो ने मॉन्स्टर चैलेंज लिखा निर्देशित और स्कोर किया अट्ठाईस लघु फिल्म जापानी गेम शो पर एक व्यंग्यात्मक रूप है जिसमें पैटन ओसवाल्ट बेन श्वार्टजट डरमोट मुलरोनी एमी ब्रेनमैन बेनेडिक्ट वोंग टॉम एवरेट स्कॉट ताशी मिजुनो एन मैडॉक्स और टेरुको नाकाजिमा ने अभिनय किया है मॉन्स्टर चैलेंज का मूल रूप से प्रीमियर 2018 में फैंटास्टिक फेस्ट में हुआ और 20 मार्च 2020 को यूट्यूब पर प्रीमियर हुआ तीस उन्होंने 2019 में स्टार ट्रेक शॉर्ट ट्रेक्स एपिसोड एफरेम एंड डॉट के साथ अपन इन निर्देशन के प्रयासों को जारी रखा सात मार्च 2022 को वैरायटी ने बताया कि जियाचिनो डिज्नी प्लस के लिए एक आगामी अभी तक शीर्षकहीन मार्वल स्टूडियो टेलीविजन प्रोजेक्ट का निर्देशन कर रहा है तीस चार दिन बाद हॉलीवुड रिपोर्टर ने खुलासा किया कि वह वेयर वोल्फ बाय नाइट का निर्देशन करेंगे जो 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी इक्कीस अतिरिक्त रचनाएं साउंड ट्रैक की अपनी लंबी सूची के अलावा 2005 में जियाचिनों ने डिज्नीलैंड में स्पेस माउंटेन स्पेस माउंटेन डिज्नीलैंड पेरिस में मिशन दो और हांगकांग डिज्नीलैंड में स्पेस माउंटेन के अद्यतन संस्करणों के लिए दो नए साउंड ट्रैक बनाने में वॉल्ट डिज्नी इमेजीनियरिंग के साथ सहयोग किया बीस द इनक्रेडिबल्स में वायलेट का किरदार निभाने वाली सारा बोवेल ने गियाचिनों को अपनी पुस्तक असेसिनेशन वेकेशन के ऑडियो संस्करण के लिए स्कोर तैयार करने के लिए अनुबंधित किया था आकर्षण के डिज्नीलैंड और वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड दोनों संस्करणों के लिए कतार में दिखाए गए ट्रैवल लॉग वीडियो के दौरान माइकल गियाचिनों का संगीत स्टार टूर्स दी एडवेंचर कंटिन्यूज में भी सुना जा सकता है 2009 में उन्हें इक्यासीवें अकादमी पुरस्कारों के लिए अकादमी पुरस्कार ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने के लिए कहा गया था इस परियोजना के लिए उन्होंने कई प्रसिद्ध फ़िल्म विषयों को विभिन्न शैलियों में पुनर्व्यवस्थित किया जिसमें उन्नीस के दशक का अरब के लॉरेंस का बिग बैंड ट्रीटमेंट और मून रिवर का बोसा नोवा शामिल है गियाचिनो ने पैरामाउंट पिक्चर्स की एक वर्षगांठ के लोगों के लिए भी धूमधाम की रचना की जो 7 दिसंबर 2011 को दुबई इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल के साथ शुरू हुआ जिसे पैरामाउंट प्लेयर्स के लोगों के साथ पेश किया गया जो इसके साथ शुरू हुआ दो नवंबर 2018 को नोब्डीज फूल के साथ लोगो पैरामाउंट एनिमेशन जिसने कनाडा में 14 अगस्त 2020 को दस पंज मूवी स्पंज रन के साथ लोगों के साथ शुरुआत की और पैरामाउंट टेलीविज़न स्टूडियो जो माइनॉरिटी रिपोर्ट के एक एपिसोड के साथ शुरू हुआ और था अड़सठ व्हिस्की के साथ पैरामाउंट नेटवर्क ओरिजिनल प्रोडक्शंस लोगो पर भी इस्तेमाल किया गया साथ ही मार्वल स्टूडियोज़ के लिए नई धूमधाम जिसने 13 अक्टूबर 2016 को हांगकांग में डॉक्टर स्ट्रेंज ए साथ अपने लोगों के साथ शुरुआत की जिसमें उन्होंने थीम गीत भी बनाया उन्नीस की स्पाइडरमैन कार्टून श्रृंखला स्पाइडरमैन होमकमिंग में उस फ़िल्म के लिए मार्वल स्टूडियो के लोगों के धूमधाम पर अपने काम को बदल दिया और उन्होंने अधिक रॉक शैली बनाने के लिए थोर लव एंड थंडर में धूमधाम को पुनर्व्यवस्थित किया और वेअरवोल्फ नाइट द्वारा जिसमें उन्होंने मार्वल स्टूडियोज स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए विशेष निर्देशन के साथ साथ अधिक डरावनी शैली बनाने के लिए धूमधाम का निर्देशन किया जिसमें बाद वाला माने टाइटल के रूप में टीवी स्पेशल के साउंड ट्रैक का हिस्सा था उन्होंने फिल्म के साउंड ट्रैक से इंट्रो टू फेक न्यूज ट्रैक में टिम्पनी ड्रम पर मार्वल स्टूडियोज लीजेंड्स के साथ साथ स्पाइडरमैन नो वे होम की शुरुआती थीम के अंत में धूमधाम के नोट्स का भी इस्तेमाल किया अभिनय 2015 में जियाचिनो ने फिल्म टूमोरोड में इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड ऑपरेटर की भूमिका निभाई जिसे उन्होंने स्कोर किया बत्तीस इसके अतिरिक्त उसी वर्ष उन्होंने जे जे अब्राम्स के स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस में फर्स्ट ऑर्डर स्टॉर्मटरूपर एफ एन तीन हजार एक सौ इक्यासी की भूमिका निभाई 33 उन्होंने दो हजार अठारह की एनिमेटेड फिल्म रॉल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट में भूमिका दोहराई तीन चार दो शून्य एक नौ में उन्होंने अब्राम्स द्वारा निर्देशित स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काई वॉकर में एक सिद्ध सैनिक के रूप में कैमियो किया निर्देशन जियाचिनो फिल्म निर्माण के प्रति असीम प्रेम के साथ बड़े हुए अपनी युवावस्था में वे अक्सर लघु फिल्में बनाने में समय बिताते थे उन्होंने 2019 में स्टार ट्रेक शॉर्ट ट्रेक्स के दूसरे सीजन के एक एपिसोड के साथ अपने पेशेवर निर्देशन की शुरुआत की 2020 में जियाचिनो ने पैटर्न ओसवार्ट अभिनीत अपनी लघु फिल्म मॉन्स्टर चैलेंज का निर्देशन किया 2022 में गियाचिनो ने आलोचकों की प्रशंसा के लिए मार्वल स्टूडियोज हैलोवीन स्पेशल वेयरवोल्फ बाय नाइट का निर्देशन और स्कोर किया जनवरी 2023 में यह घोषणा की गई थी जी याचिनो देम के रीमेक के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत करेंगे वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए उम्मीद है कि वह फिल्म का स्कोर भी बनाएंगे 36 शैली इस अनुभाग में अत्यधिक मात्रा में जटिल विवरण शामिल हो सकते हैं जो केवल एक विशेष दर्शक वर्ग के लिए रुचिकर हो सकते हैं कृपया किसी भी प्रासंगिक जानकारी को अलग करके या स्थानांतरित करके और अत्यधिक विवरण को हटाकर मदद करें जो विकिपीडिया की समावेशन नीति के विरुद्ध हो सकता है दिसंबर 2021 जाने की इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है दोस्तों से मूवी का बजट तकरीबन 60 मिलियन से एक डॉलर्स था और उसके बाद इसने ज़बरदस्त अंदाज में कलेक्शन किया है और अब ओ पर इसे उतारा गया है जी हाँ दोस्तों नेटफ्लिक्स द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पाँच साल को पाँच जनवरी 2024 को जी हाँ दोस्तों इसी के साथ यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन दबा कर इसे पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में